बरेली की तहसील फरीदपुर में एक विशाल मेला लगा है और इस मेले में चल रहा अश्लील डांस अब चर्चा का विषय बन चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि इस मेले के दौरान कुछ बालाओं ने यहां पर डांस किया है और बगैर परमिशन और पुलिस की मिलीभगत से यह अश्लील डांस चल रहा है। बताया जा रहा है कि अश्लील डांस पहले भी कई बार हो चुका है और इस तरह के अश्लील डांस के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में आखिर ये अश्लील डांस कैसे हो रहा है और अगर हो रहा है तो ऐसे में पुलिस की मिली भगत पर सवाल क्यों ना उठाया जाए। इस दौरान सभी उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी यह अश्लील डांस अब तक रोका नहीं गया है जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। अभी मौजूद है जनपद बरेली की थाना फरीदपुर क्षेत्र में, यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है। मेले में आपको बताना चाहूंगा डांस पार्टी लगी, क्योंकि ये भी सरकार ने इस चीज को बिल्कुल ही मना किया हुआ है कि इस तरह का अश्लील डांस नहीं किया जाएगा। और डांस पार्टी में आप कैमरा बन चाहूंगा जरा दिखाएं, देखिए डांस पार्टी है दो दिनों से चल रही है और दूसरी का विधिवत रूप से निर्माण चल रहा है। इसका कहना ये है कि परमिशन हमारी यहाँ से पुलिस से हो गई है, लेकिन जानकारी में यह है कि कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। अवैध तरीके से डांस पार्टियों का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक डांस पार्टी का निर्माण हो रहा है और दूसरी बराबर में ही चलाई जा रही है। तो बड़ा सवाल है, एक तरफ योगी सरकार इन चीज़ों पर रोक लगा रही है, दूसरी सरकार का कहना है कि इस तरह का अश्लील डांस अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फरीदपुर में ये देखा जा रहा है, इसके कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, इस ये जो दूसरी डांस पार्टी बनी हुई है पुलिस, सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ की पुलिस क्या मूक तस्कर बनी हुई है, उन्होंने कैसे परमिशन दे दी इसकी, अगर परमिशन दी है तो क्या है, और नहीं दी है तो ये लोग इस तरह से अवैध अश्लील डांस किस तरीके से चला रहे हैं। मैं अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ आर्यन भूपेंद्र कुमार बरेली।